नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश सीएम भूपेश ने दिए हैं। इस निर्देश के बाद रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने टीम बनाकर कार्रवाई की। बीते शुक्रवार की रात को रायपुर जिले के अनेक क्षेत्रों में राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। टीम ने अवैध परिवहन करने वाले 20 वाहनों तथा हाइवा को जब्त किया। यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही। अनुविभागीय दंडाधिकारी तिलदा प्रकाश टंडन ने बताया कि तिलदा में 6 और खरोरा में 6, कुल 12 हाइवा वाहनों को रेत का अवैध परिवहन करते जब्त किया गया है। संयुक्त टीम में राजस्व विभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी प्रकाश टंडन, तहसीलदार तिलदा सरिता मंडरिया, थाना प्रभारी रमेश मरकाम और मोहसिन खान भी शामिल थे। अनुविभागीय दंडाधिकारी अभनपुर निर्भय साहू ने बताया कि अभनपुर और नवापारा क्षेत्र में अवैध परिवहन करने वाले 5 हाइवा वाहनों को जब्त किया गया है। इन वाहनों के माध्यम से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए इन हाइवा वाहनों के चालक मौके से अपना हाइवा वाहन को छोड़कर भाग गए। अनुविभागीय दंडाधिकारी निर्भय साहू, तहसीलदार पवन ठाकुर, नायब तहसीलदार चंद्रकांत राही की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।